जैन साथियों बफराए हम आपके लिए मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम खबरें लेकर जी हाँ साथियों बने रहिए न्यूज के साथ। हाँ साथियों हम आपको बता देंगे लोकसभा चुनाव से पहले मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नई योजना शुरू करने वाले हैं। जी हाँ साथियों हम आपको बता देंगे मध्य प्रदेश सरकार अब युवाओं को देने वाली है बड़ा तोहफा। हाँ साथियों जाने इस वीडियो के माध्यम से इससे पहले आप चैनल पहली बार तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूले। और हम आपको बता दें दो नए विश्वविद्यालयों का डिजिटल लॉन्च करेंगे डॉक्टर मोहन यादव। जी हाँ साथियों बने रहिए न्यूज के साथ। हाँ साथियों वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें। हम आपको बता मध्य प्रदेश सरकार आज युवाओं को बड़ी सौगात देने वाली है। इसके साथ ही आज मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव नए दो विश्वविद्यालयों का डिजिटल लॉन्च करने जा रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें मुख्यमंत्री आज खरगोन के कार्तिकीय भील विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करने वाले हैं। इसके साथ ही गुना की क्रांति वीरता तटवे विश्वविद्यालय के भी उद्घाटन डॉक्टर मोहन यादव के शुभ हाथों से किया जाने वाला है। हाँ साथियों हम आपको बता दें लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा ने आदिवासी बोर्ड को साधने का भी प्रयास से कर दिया है। इसके साथ ही आज मुख्यमंत्री द्वारा पीएम श्री धार्मिक पर्यटन हेली सेवा पर्यटन वायु सेवा का भी शुभारंभ किया जाने वाला है। हम आपको बता दें कि जानकारी के द्वारा हम आपको बता दें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी नई नई योजनाओं से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें लेकर सामने आ रहे हैं। हाँ साथियों बता दें कि इस बार लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश ही चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसमें हम आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी व कांग्रेस में कड़ी टक्कर होने वाली है। हम आपको बता आज डॉक्टर मोहन यादव द्वारा दो नई सेवाओं का भी शुभारंभ किया जाएगा। डॉक्टर मोहन यादव द्वारा आज 770 करोड़ की लागत से 3 सिंचाई परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया जाने वाला है। हम आपको बता दें कि इसके तहत राज्य के विकास की गति मिलने वाली और शिक्षा सेक्टर के नए अवसर भी उपलब्ध होने वाले हैं। हाँ साथियों इस बार मध्य प्रदेश में नई योजना शुरू होने वाली है। जैन साथियों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलें। जैन जय भारत। मिलते हैं अगली वीडियो में।